नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिलाओं में होने वाली थकान के कारण और इलाज के बारे में। दोस्तों, वैसे तो थकान किसी को भी हो सकती है, लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक थकान का सामना करना पड़ता है। आजकल ज़्यादातर महिलाओं के लिए खुद के लिए समय निकाल पाना मुश्किल हो जाता है और ऐसे में वो सही आदतों, दिनचर्या और डाइट को फॉलो नहीं कर पाती है और इसकी वजह से महिलाओं को पोषक तत्वों की कमी का सामना करना पड़ सकता है और थकान होने लगती है। इसके अलावा भी कई ऐसे कारण हैं जो कि थकान पैदा कर सकते हैं, जैसे कि थायराइड और विटामिन डी की कमी वगैरह, और ऐसे में थकान को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महिलाओं में होने वाली थकान के कारण और इलाज के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि महिलाओं में होने वाली थकान के क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, कई महिलाएँ बार बार थका हुआ महसूस करती हैं। महिलाओं को थकान कुछ मेडिकल कंडीशन या फिर जीवन शैली की वजह से हो सकती है। महिलाओं में थकान के कारणों की बात करें तो पहला कारण है थायराइड की समस्या। अगर किसी महिला को थायराइड है तो वह अधिक थकान महसूस कर सकती है। और आपको बता दें कि थायराइड एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है जो कि हार्मोन का उत्पादन करती है। जब थायराइड ग्रंथि सही तरीके से काम नहीं करती है तो हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है और इनकी वजह से महिलाओं को गंभीर थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। बात करें हार्ट के रोगों की तो हार्ट रोग भी महिलाओं में थकान का कारण बन सकते हैं। अगर किसी को कोई हार्ट रोग है तो उसे बार बार थका हुआ महसूस हो सकता है। और दरअसल हार्ट रोग होने पर हार्ट जो है वो सही तरीके से रक्त को पंप नहीं कर पाता और इसकी वजह से शरीर को पर्याप्त खून नहीं मिल पाता और ऐसे में थोड़ा सा काम करने के बाद ही थकान महसूस हो सकती है। बात करें विटामिन डी की कमी की तो आजकल अधिकतर लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। खासकर महिलाओं में विटामिन डी का स्तर कम होता है। शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर थकान महसूस हो सकती है। और आपको बता दें कि कुछ लोगों का पाचन तंत्र विटामिन डी को अच्छी तरह से अवशोषित नहीं कर पाता है और ऐसे में शरीर जो है वो विटामिन डी का इस्तेमाल सही से नहीं कर पाता है और इससे हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। और जब हड्डियाँ और मांसपेशियों में कमज़ोरी आती है तो क्रॉनिक थकान के लक्षण महसूस हो सकते हैं। कुछ स्टडी में साबित हुआ है कि विटामिन डी की कमी क्रॉनिक फटिक सिंड्रोम का कारण बन सकती है। उसके बाद बात की जाए स्लीप एपनिया की तो वैसे तो पुरुषों को स्लीप एपनिया का सामना अधिक करना पड़ता है, लेकिन कुछ महिलाओं में भी स्लीप एपनिया के लक्षण दिख सकते हैं। स्लीप एपनिया होने पर व्यक्ति को रात में बार बार सांस रुक जाती है और इसकी वजह से व्यक्ति तेज तेज खर्राटे ले सकता है और नींद प्रभावित हो सकती है। स्लीप एपनिया वाले लोगों को नींद की कमी से जूझना पड़ता है और जब नींद पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति अगले दिन थकान महसूस कर सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए नींद की कमी की तो अगर कोई महिला रोज़ाना पर्याप्त नींद नहीं ले रही है तो उसे गंभीर थकान का सामना करना पड़ सकता है। कई महिलाएँ सिर्फ 5 से 6 घंटे की नींद लेती हैं और अगर नींद पूरी नहीं होती है तो आप थोड़ा सा काम करके ही थकान महसूस हो सकती है। तनाव की बात करें तो तनाव या फिर चिंता का शिकार होना महिलाओं में आम है। जो महिलाएं तनाव में रहती हैं उन्हें अन्य महिलाओं की तुलना में थकान होने की आशंका 4 गुना अधिक होती है। तनाव में रहने वाली महिलाओं को कमजोरी का सामना भी करना पड़ सकता है। और बात की जाए आयरन की कमी की तो आयरन की कमी शरीर में एनीमिया का कारण बन सकती है। एनीमिया महिलाओं में होने वाली एक आम समस्या होती है और एनीमिया होने पर अक्सर महिलाओं को थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है। आपको बता दें कि एनीमिया होने पर शरीर में रेड ब्लड सेल्स का उत्पादन नहीं हो पाता और इसकी वजह से हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है और रक्त जो है वो शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं ले जा पाता है और ऐसे में महिलाएं अधिक थका हुआ महसूस कर सकती है। अब बात करें कि महिलाओं में थकान का इलाज क्या होता है तो अगर कभी कभार थकान रहती है तो यह सामान्य हो सकता है। वही अगर अक्सर ही थकान महसूस होती है तो स्थिति में डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए। थकान के कारण को जानकर ही डॉक्टर इसका इलाज कर सकते हैं। अगर थायराइड की वजह से थकान होती है तो डॉक्टर एंटी थायराइड दवा लिख सकते हैं और इससे थायराइड हार्मोन को संतुलन में रखने की कोशिश की जाती है। अगर हार्ट रोग है तो इसका इलाज जरूरी होता है। थकान का इलाज करने के लिए ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रण की दवा दी जा सकती है। अगर परिवार में किसी व्यक्ति को हार्ट रोग है तो अपने हार्ट की जांच जरूर करवाएं। थकान को दूर करने के लिए पूरी नींद लेना भी ज़रूरी होता है और इसके लिए 7 से 8 घंटे की नींद ली जा सकती है। आयरन सप्लीमेंट भी थकान को दूर कर सकते हैं क्योंकि इससे रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है और शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाती है। अगर मोटापे से परेशान है तो वजन को कम करने की कोशिश करें। स्लीप एपनिया का इलाज भी जरूरी होता है और इसके लिए वायु मार्ग दबाव उपकरण का उपयोग किया जा सकता है और इससे वायु मार्ग में हवा का प्रवाह बना रहेगा। तनाव और चिंता की वजह से थकान महसूस होती है तो एंटी डिप्रेशन दवा ली जा सकती है। और इन सभी के अलावा योग,
मेडिटेशन और एक्सरसाइज भी करें, लेकिन हैवी एक्सरसाइज करने से बचें। हेल्दी डाइट लें जिसमें कि प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और कार्ब्स जरूर शामिल करें। तो दोस्तों, तनाव जो है और नींद की कमी, थायराइड, हार्ट रोग वगैरह स्थितियां महिलाओं में थकान का कारण बन सकती है, और ये स्थितियां महिलाओं में सामान्य से लेकर गंभीर थकान पैदा कर सकती है। थकान महिलाओं के दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती है, और इसीलिए अगर कोई महिला लंबे समय से थका हुआ महसूस कर रही है तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए। थकान का इलाज इसके कारण पर ही निर्भर करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।